हम तो जनरेशन एक्स के हैं, जनरेशन वाई हमने 80 के बाद वाले देखे हैं, 65 से 80 जनरेशन एक्स, 80 से 95 तक जनरेशन वाई, 1996 से बियॉन्ड अभी जो रहेंगे वो जनरेशन जी कहलाता है। तो ये तीन जनरेशन हैं और ये तीनों जनरेशन ने बहुत अलग अलग नज़रिया रखा है। स्पेशली मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात कहूँ तो ये विमेन एम्पावरमेंट ये तीनों जनरेशन ने बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि मैं जनरेशन एक्स को बिलोंग करता हूँ और मैंने देखा है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपने वाइफ के पक्ष को हमेशा समझने की कोशिश की। उसे जॉब करना पसंद नहीं था और होम मेकर बनना ज़रूरी था ऐसा वो समझती थी, और वो आज भी मैं देखता हूँ कि वो अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रही हैं। तो वो एक समय था जब हम वो जनरेशन के लोग समझना चाहते थे कि क्या कंधे से कंधा मिलाना उसका मतलब क्या है, और क्योंकि हमारे दौर पे मैंने अपनी खुद की माँ को नौकरी करते हुए देखा था तो मैं बहुत क्लियर था कि मैं मेरी वाइफ को भी वैसे ही होना चाहता था। लेकिन जब मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से हुई तब मैं बहुत क्लियर हो गया कि शायद ये भी सही हो सकता है मेरे साथ कि मैं कुछ बाहर का देखूं और मेरा घर अच्छे ढंग से चले, सुचारू रूप से चले, उसे कोई विपदा ना आए और कोई तो भी संभालने वाला हो, और कोई पढ़ा लिखा हो तो क्या बात है। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं कि वो जाके नौकरी करे, ये बात मेरी आज समझ में आती है, क्योंकि पढ़ा लिखा होना घर को संभालने के लिए चलाने के लिए जो एनर्जी लगती है जो इंजन लगता है उसको भी उतना ही समझदार होना ज़रूरी होता है, ये मैं आज समझता हूँ। तो ये मेरे दौर की कहानी है जो जनरेशन एक्स की है। जनरेशन वाई वो था जो 80 के दशक के बाद आया, 1980 ऑनवर्ड्स, और मैंने तब देखा कि बहुत सारे युवक हैं जिन्होंने लगभग वैसे ही युवतियों से शादी की है, यानी कपल्स ऐसे होते थे वो दोनों अर्निंग होंगे दोनों, तो ऐसे मैंने काफ़ी देखे। तो दुनिया चेंज हो रही थी, बट ये चेंज मैंने अपने आंखों के सामने देखा कि मैंने अर्निंग वाइव्स भी देखी मेरे बाद वाले जनरेशन में, 80 के बाद वाले में, और आज 96 के बाद में अगर किसी की शादी हुई है वो लोग बड़े क्या कहते हैं एम्बिशियस है, दे आर वेरी यू नो गो गेटर्स काइंड ऑफ पीपल, और वो चाहते हैं कि दुनिया में उन्हें उनकी पहचान मिले। और अब तो ये भी समय आ गया है कि सिर्फ यानी पिता का नाम नहीं होता है, अब तो माता का नाम भी लिया जाता है। बहुत सारे बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनके फादर्स नेम की जगह में मदर्स नेम आया है। नौकरी करती है और करियर वुमन होने के कारण उनकी खुद की पहचान है, और उनकी पहचान के कारण उनके पति की पहचान है, और कहीं तो भी बच्चा अपनी पहचान वहीं ढूंढ रहा है। तो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट को ऐसे देखा है, और मेरा ऐसा मानना है कि वुमेन एम्पावरमेंट अक्सर एक्चुअली पहले से थी। मैं एक्स वाई जेड को अगर बाजू में रखूँ तो पहले के ज़माने में पुरुष का काम होता था, दो ही काम होते थे उनके, या तो लड़ाई में जाना और लड़ाई में जाके मर जाना, जिंदा वापस आया तो फिर उनके पास एक ही काम होता था कि खेत में जाना और खेत में जितनी भी आप फसल उगा सकते थे उगा के, अगेन बेसिक नीड जो था कि हम सर्वाइव करें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो था, ये राजा महाराजाओं के ज़माने में था। और उसके बाद में जैसे जैसे स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्ति की है और घर से बाहर निकले हैं, तो ये समय आज का समय जो है ये समय सबसे रिच समय है, जहाँ पर वुमेन आर सीन अपफ्रंट, यानी औरतों का जो सम्मिलित होना है समाज में या उनका योगदान ये साफ दिखाई देता है और बड़े बड़े रूप में, बहुत विशाल रूप में दिखाई देता है। ये बात मिथ्या होगी अगर मैं कहूँगा कि वो आज दिखाई देता है, क्योंकि अक्सर आप इतिहास में झाके तो इवन मुगलों के ज़मीन पर भी बहुत सारी औरतों ने राज किया है, उनका अपना दबदबा था, वो भी करियर वुमन हुआ करती थी और उन्होंने खुद अपने लिए भी बहुत कुछ चुना है उस टाइम पे। तो एक्स वाई और जेड की कहानी आज की ट्रायंगल थ्योरी यही कहती है कि वुमेन एम्पावरमेंट अब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, वुमेन एम्पावरमेंट एक नेचुरल प्रोसेस हो गया है, और बहुत सारी औरतें जो खुद के लिए काम कर रही हैं वो उतनी समझदार हो गई हैं कि वो घर को भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, और पूरे परिवार को साथ में लेके चलती है। तो जनरेशन एक्स हो, वाई हो या जी हो, मेरा मानना ये है कि सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, और साथ में इक्वालिटी की बात भी नहीं होना चाहिए, जो आगे बढ़ सकता है, जो परिवार को संभाल सकता है, चाहे फिर वो मर्द हो या औरत हो, बागडोर उसके हाथ में होना चाहिए और उसी ने आगे बढ़ाना चाहिए।